क्या रॉयल इनफील्ड की बुलेट 350 स्टैंडर्ड डिसकंटिन्यू होने वाली है और कब होने वाली है और नया वेरिएंट कैसा आने वाला है, क्या क्या नए चेंजेस आने वाले हैं न्यू वेरिएंट के अंदर, ये सब क्या बातें हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। मेरा नाम है संगीत खन्ना, आप देख रहे हैं थ्रॉटल 98। लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो। अभी यहाँ पर जो इस समय रॉयल इनफील्ड की बुलेट 350 स्टैंडर्ड आती है उसका जो ऑन रोड प्राइस अभी देखने को मिलता है आपको जयपुर के अंदर, वो है लगभग 1,93,000 रुपीज़। 1,93,000 रुपये ऑन रोड प्राइस आता है बुलेट 350 स्टैंडर्ड का। इस बुलेट के अंदर तीन वेरिएंट आते हैं, एक किक स्टार्ट, एक ये स्टैंडर्ड और एक आता है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक स्टार्ट वेरिएंट। तो कुछ इस प्रकार से आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं तीन बाइक्स के अंदर। मतलब जो फ्रंट में, सबसे पहले मैं बात करूँ किक स्टार्ट के बारे में, उसमें आपको बेसिक यहाँ पर पेंट स्कीम देखने को मिलती है। फिर आती है आपकी बुलेट 350 स्टैंडर्ड, एक बहुत ही कमाल के यहाँ पर पेंट जॉब के साथ और एक एम्ब्रॉज लोगो के साथ। और जो बुलेट 350 ES आती है इलेक्ट्रा, उसके अंदर आपको जो है इलेक्ट्रिक स्टार्ट वेरिएंट देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर बुलेट 350 स्टैंडर्ड एक सिर्फ किक स्टार्ट बाइक है, इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक स्टार्ट वेरिएंट नहीं देखने को मिलता है। मतलब ये सिर्फ आप बाइक किक से ही स्टार्ट कर सकते हो, जैसे एक प्रॉपर मैकेनिकल बाइक स्टार्ट होती है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि बाइक डिसकंटिन्यू हो रही है कि नहीं हो रही है। तो देखो, अभी न्यूज़ सिर्फ एक रूमर चल रहा है कि ये बाइक डिसकंटिन्यू हो रही है या फिर इसका नया वेरिएंट आने वाला है, नया वेरिएंट बाय किया गया है। तो अगर ये बाइक डिसकंटिन्यू होती है तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको नया इंजन देखने को मिल सकता है। नया इंजन मतलब बैलेंसर शाफ्ट वाला इंजन, जिसका मतलब अगर बैलेंसर शाफ्ट वाला इंजन इस बाइक के अंदर आया तो डेफिनेटली किक जो है वो हट जाएगा, बिकॉज बैलेंसर शाफ्ट वाले इंजन के अंदर किक नहीं आता है, जो कि आपको यहाँ पर न्यू क्लासिक 350 के अंदर देखने को मिलता है। वहीं अगर अभी आपको ये बाइक लेनी है तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा हॉट डिमांड में है ये बाइक इस समय, बिकॉज बुलेट 350 स्टैंडर्ड जानी ही जाती है अपने किक स्टार्ट की वजह से, अपने इस शानदार इंजन की वजह से, जो इस बाइक का प्रॉपर एक रियल थंप, एक जो रियल पावर है इस बाइक के अंदर, उसकी वजह से ये बाइक जानी जाती है। एंड ओवरऑल आपको कुछ इस प्रकार से लुक देखने को मिलता है। एक बार मैं फटाफट आपको जो है यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ बाइक के बारे में। यहाँ पर आपको फ्रंट के अंदर जो है 19 इंच का स्पोक व्हील देखने को मिलता है। जो टायर आते हैं वो ट्यूब वाले आते हैं, ट्यूबलेस नहीं आते इस बाइक के अंदर। यहाँ पर आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। रियर में इस बाइक के अंदर ड्रम ब्रेक आता है और सिर्फ सिंगल चैनल ABS वेरिएंट आता है, मतलब सिर्फ सिंगल चैनल ABS ब्रेकिंग सिस्टम आता है। मतलब फ्रंट डिस्प्ले के अंदर ही सिर्फ ABS आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलते हैं। फ्रंट वाला जो हेडलाइट क्लस्टर है वो कंप्लीट हेलोजन है, आप देख सकते हैं कंप्लीट हेलोजन हेडलाइट क्लस्टर है। इंडिकेटर्स जो आते हैं प्रॉपर आपको बल्ब देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बल्ब इंडिकेटर्स आते हैं। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से नंबर प्लेट सेक्शन आती है। एंड फ्रंट लुक जो है कुछ इस प्रकार से आपको बाइक का देखने को मिलता है। यहाँ पर ओवरऑल हम बात करें तो 13 लीटर्स का फ्यूल टैंक आता है, एक प्रॉपर पेंट स्ट्राइपिंग वाला फ्यूल टैंक है। पेंट जॉब बहुत खतरनाक होती है इस बाइक की, बहुत ही मस्त होती है। एंड स्पेसिफिकली आपको यहाँ पर प्रॉपर एक एम्ब्रॉज लोगो देखने को मिलता है रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग के साथ। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, प्योर मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। सिंपल यहाँ पर स्पीडोमीटर और ओडोमीटर है। ओवरऑल यहाँ पर जो है आपको की होल एरिया देखने को मिलता है। यहाँ पर फ्यूल का साइन है। यहाँ पर ABS देखने को मिलता है, मतलब सिंगल चैनल ABS ब्रेकिंग सिस्टम आती है इस बाइक के अंदर। एंड ओवरऑल यहाँ पर बात करें तो लेफ्ट साइड में UV लेबल टू सी हाई बीम लो बीम इंडिकेटर हॉर्न पास बटन, और राइट साइड में सिर्फ यहाँ पर किल स्विच आता है, इग्निशन स्विच नहीं आता है, बिकॉज ये सिर्फ किक स्टार्ट बाइक है। यहाँ पर सीट जो है कंप्लीट लॉन्ग सीट आती है, कुशनिंग काफ़ी डिसेंट है, स्पेसिंग बहुत बढ़िया, मतलब कंफर्ट बहुत ज़्यादा है इस बाइक के अंदर, बिकॉज स्पेसिंग बहुत बढ़िया, मतलब आराम से एक बंदा आराम से बैठ के यहाँ पर बाइक चला सकता है। यहाँ पर ओवरऑल आपको बुलेट 350 की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। डुअल शॉक एब्जॉर्बर सेटअप आता है, काफ़ी लॉन्ग एग्जॉस्ट सेटअप आता है। यहाँ पर आपको रियर में बल्ब टेल लाइट बल्ब इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। रॉयल इनफील्ड की बैजिंग देखने को मिलती है। इंजन जो है 349 cc का आता है। यहाँ पर आपको शानदार एक रेट्रो ओरिजिनल एक थंप वाला मज़ेदार वाला इंजन देखने को मिलता है। किक स्टार्ट बाइक है, प्योर आप किक से स्टार्ट कर सकते हो। ओल्ड क्लासिक 350 वाला फील अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली आप ये वाली बाइक खरीद कर वो मज़ा ले सकते हो। ओवरऑल इस बाइक का जो इंजन है टॉर्क बहुत कमाल का, इस बाइक के इंजन का अमेजिंग सुपर टॉर्क है। तो अगर आप इस बाइक को चलाओगे तो आपको डेफिनेटली मज़ा आ जाएगा, एक डिफरेंट ही एक्सपीरियंस है इस बाइक को चलाना। तो जो चलाते हैं इस बाइक को, जो इस बाइक को ओन करते हैं वही जानते हैं। बाकी अगर ये बाइक डिसकंटिन्यू होती है और उसमें अगर नया इंजन आता है तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट होऊंगा, बिकॉज ये वाला इंजन यार, ये बाइक मेरे हिसाब से बिकती सिर्फ इसलिए बिकॉज इसके शानदार इंजन की वजह से और एक इस प्रॉपर लुक की वजह से, जो एक इसका एक रेट्रो लुक आता है ना, एक रियल गैंगस्टर वाला, उसी वजह से ये बाइक बिकती है। सो अगर ये बाइक में कॉस्मेटिक चेंजेस होते हैं तो डेफिनेटली
अच्छा नहीं लगेगा, और बाइक का अगर इंजन चेंज हो जाता है तो डेफिनेटली अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज ये इंजन बहुत ही मस्त है, मतलब इसका टॉर्क बहुत अच्छा है एंड किक से ये बाइक प्रॉपर स्टार्ट होती है, तो यार बाइक जान ही जाती है अपने किक स्टार्ट की वजह से। बाकी आपको यहाँ पर रॉयल इनफील्ड की बुलेट 350 कैसी लगती है, स्टैंडर्ड कैसी लगती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर, वीडियो शेयर जरूर, चैनल तक सब्सक्राइब किया जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल मिल गया। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यहाँ लिख कर थ्रॉटल को 98 एज बेस्ट हैंडल। मिलते हैं आपसे वीडियो में, थैंक यू मेक पार डे, सी यू नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो, दैन भी हैप्पी इनवाइट सेफ, बाय।